क्या चल है यार? ठीक ठाक है। लो भाई, फाइनली आप लोगों के लिए जी वैगन की अपडेट आ गई। यार मुझे इतने 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 मैसेजेस आए होते हैं, कभी मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज करते हो, कभी मुझे इंस्टा पे डीएम करते हो, कभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, कभी मुझे आई मैसेज पे मैसेज आए होते हैं, कभी मुझे स्नैपचैट पे चैट आई होती है। यार मैं तो यकीन करो फोन उठाने को दिल नहीं करता, मुझे हर वक्त देखो नोटिफिकेशन आए होते हैं कि जैसे भाई जी वैगन किधर है। तो यार मैंने कहा लो फिर आ गई अपडेट आप लोगों के लिए। तो अभी मैं कल हो रहा था, अभी जा रहा हूँ मैं वर्कशॉप, पहले जाके इमरान को फ़ोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा। मैंने कहा पहले नाश्ता वगैरह करें फिर फैक्ट्री चलते हैं, जाके देखते हैं क्या काम है। आज तो आपको पता है पहला दिन है तो छोटे मोटे काम ही होंगे, जरा पहले सेटअप बनाए ना, जाके देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो आप रहे मेरे साथ। आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी। बदतमीजी कर रहे हो भाई को व्लॉग में दिखा रहे हो, क्या हाल है मेरी जान? तुम ठीक ठाक हो भाई? लाड़ी लो भाई, ये देखें व्लॉगर्स बॉय जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं। ये भाई से सुबह नाश्ते पे मुझे मिस करवाया है। भाई अब आपको खाना खिलाते हैं। अच्छा खाना वो आज बारबेक्यू खाना है। भाई किधर से खाना है बारबेक्यू? वो हमजा खिलाएगा ना। चुप कर बे कुत्ते। क्या बना रहा है घर पे? नहीं। अच्छा वो वाला बाहर, हाँ वो जाके खाएंगे। चलो वो साथ। अभी अब आपको जी वैगन के भी जरा काम शाम लेके चलते हैं, आपको ढेर सारी गाड़ियां दिखाते हैं। हाँ इसके भी प्रोजेक्ट दिखाते हैं, भाई के व्लॉग के साथ जुड़े रहना है। ओ फल्ला भाई बस कर दे बस। यार इस लोंडे के लिए मैं लेके आया था एक सरप्राइज, जो के ये देखें ये बड़ा है। आप लोगों को मिलेगी, अब इसके व्लॉग्स आएंगे अच्छे, फुल आप लोगों को क्वालिटी मिलेगी यार, क्वालिटी व्लॉग्स मिलेंगे यार। भाई आपका काम बड़ा अच्छा है, मैं आपकी क्वालिटी पालेगा। यस यस भाई को थैंक्स कह दे। मैं कब से फोन ढूंढ रहा था यार, मैं जो देखता था कोई ना कोई रोला निकलता था भाई, इसलिए तो होते हैं। नो प्रॉब्लम मेरी जान, मतलब पैसे तो नहीं देने ना, बड़ा हरामी हो बेटा। ओ भाई फाइनली आफ्टर अ महीना हम पहुंच गए हैं फैक्ट्री आपकी जी वैगन के पास। इसी बंद ओ बस यार आप लोग गाड़ी के पास आ गया हूँ। ये रही आप लोग की जी वैगन, गंदी हुई भी है यार। ओहो मेरी जान, गंदी हुई भी थी नहीं। चलें इसको कोई नहीं, हम कल साफ़ कर लेंगे। आज सीन ऐसा है कि यार आज ना वो राना लगा हुआ कोई बाइक के ऊपर, तो आज ज़रा सीन मिस है, लेकिन अभी इसके ऊपर काम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ये देख लें। बाकी तो गाड़ी यार कंप्लीट है हमारी, आपको पता ही है। रिकारो सीट्स मेरी आ गई हैं, वही है ले आया अब है। रिकारो सीट्स आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा दूँगा। बाकी अंदर से आपको पता है पीछे पहले पैक हो चुकी हुई थी, साउंड डैम्पिंग शीट्स लग गई हैं पीछे। रिकारो सीट्स देख लें, क्या सेक्सी काम भाई ने आपके किया है, भाई को अप्रिशिएट करो यार जल्दी से। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी। और क्या है यार, बस कुछ भी नहीं है, बस इसका काम ख़त्म करें, इसको पैक करवाएं और इसको बाहर निकालते हैं, बाकी इजी सीन है। ये देखें आईफोन रख के लोंडा देखें बना रहा है, क्या टिकटॉक बना रहा है? टिकटॉक के लिए। ओहो हो, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं ना टिकटॉक पे? मिलियन व्यूज आ रहे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लें जी गाड़ी आप लोग देख लें, बाकी इंशाल्लाह कल से इस पे काम स्टार्ट होंगे। थोड़ी सी अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ आज की, यही अपडेट व्लॉग आज का डाल दूंगा ना तेरा ग्रास टूर के साथ। और बाकी अभी मैंने वो भी करना है इसका रिबॉन्ड का ना अगला बम्पर टूटा हुआ, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यार बाकी कल इससे सीटें पकड़ते हैं रिकारो की, वो फिट करते हैं, गाड़ी पैक कराते हैं, और इसका और कोई काम नहीं है यार, मैकेनिकल है वो जाहिद भाई से करवा लेंगे एक दिन। मेरा बड़ा सा 14 अगस्त को हम इसको निकाले थे यार, स्टार्ट तो है ही, सोच माम कैसी। अब मेरी मेरी बर्थडे गुजर गई है, छोड़ सारी करा। तो यार बस करते हैं इसका कुछ। और यार ये चॉपर की बैटरी वगैरह निकाली है, इसको चार्ज करने लगी। ये कल मैंने जो है फार्म हाउस अपने भेजनी है बाइक, तो इसको अभी साफ़ सूफ करके पेंट वगैरह जहाँ जहाँ टचिंग होनी है वो करके इसको यार फार्म हाउस भेजते हैं। साथ इंट्रूडर भी है, वो पीछे खड़ा है। बाकी बाइक साहब को होते हैं देखें लाइनअप सारा। हाँ 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 हाँ। और बाकी यार ये देखें, एक ये तैयार हो रही है, एक वो तैयार हो रही है, और एक वो एंटीक 1935 मैचलेस है वो है, एक इंजन निकाला हुआ है इनलाइन 4 750, ये होंडा में डालना है। तो ये बस अभी इसको करते हैं,
इसको कल भेजते हैं फार्म। बॉयज हम लोग आ गए इमरान की तरफ। हाँ नहीं नहीं मैंने पर्सनली नहीं देखी, इसके हम प्रोजेक्ट्स देखने आए हैं। तो सबसे पहले ये जीप चेक करें जो कि मैं लेने लगा हूँ इससे। बिल्कुल यार भी दे रहे थे, मैंने भी लिया जी वैगन के लिए। हाँ नाइस माशाल्लाह यार। अच्छा ये इसका बताते चलो, ये कौन सी जीप है यार? ये आर्मी जीप है, 40s मॉडल है। अच्छा अभी इसको अच्छे और भी चौड़े रिम टायर डाले हैं हम लोग, जैसे वो बॉडी वर्क तो मुझे लग रहा है सारा कंप्लीट है, ऑलमोस्ट हो गया है। इसका स्क्रीन डलनी है, इसको अच्छा सा पेंट होना है, अंदर पोशिश जैसी हम करते हैं। इस पे तो हम निकले हुए थे 14 अगस्त पे। ये सारे मीटर मीटर वगैरह मैंने सारे नए लगाए हैं इसके अंदर, ये देखें। अच्छा अच्छा ये सारे पुराने थे इसके अंदर सारे। नाइस फिर सी कोशिश करेंगे और ऑन रोड लेके चलेंगे। चलो आगे आपको दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ, ये देखते हो। ये है पीछे कसम से मैं यही देखने आया हूँ। ये मैंने भाई ये चेक करें यार, ये है KE35 है ना? सही बताया ना? और इसमें V8 स्वैप। माशाल्लाह ये चेक करें, माशाल्लाह बैटरी इसके अंदर अच्छी है भी, आपको स्टार्ट करके। अच्छा जी ऐसा थोड़ी होता है, फुल साउंड। चलें ये स्टार्ट करते हैं फिर आपको चेक कराते हैं। यार इसने बैटरी लगा दी, अभी स्टार्ट करके दिखाएगा। माशाल्लाह यार हाफ सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, V8 स्वैप किया हुआ है, 1UZ कमाल। नाइस नाइस माशाल्लाह। अंदर से देखें स्टॉक ही है, स्ट्रेट पाइप किया हुआ है। अच्छा वो नाइस, थोड़ा सा इंजन गर्म हो जाए फिर हाँ फिर रेस दें। ये चेक करें जरा, साउंड चेक करें गाड़ी का यार, स्ट्रेट पाइप है। यार ये नेक्स्ट देख लें यार, ये आपको याद होगा किस हालत में थी, पूरी तैयार कर ली, इसमें D17 डला हुआ है। बार इसको कंपाउंड नहीं हुई, कंपाउंड करेंगे, फ्रंट एग्जिट एग्जॉस्ट देना है इसको, आगे से लो कर दी भी है इसको। अच्छा लो करनी है और बाकी ये। अच्छा बाकी अपनी ये मार्क 2, बाकी इसकी यार ये अपनी मार्क 2 है इसने। बस बड़ी जल्दी आ रहा है, लाइन वाइज है गाड़ियाँ, आपको पता है लोगों की हम जल्दी कर देते हैं अपनी गाड़ियाँ। अपनी गाड़ियाँ देखें खड़ी है ये, इसने अपनी बिल्ड तैयार कर ली है। ये सीन भाई के गैराज का, ये इसका गैराज टूर देखा आपने? फुल टूर दिया भाई ने। हाय 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 क्या बात है। चलो 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से बॉयज भूख लग गई थी, सुबह नाश्ता तो किया नहीं, क्या खाएंगे बता? खाएंगे मोहम्मदी निहारी, मुझे बहुत बड़ी भूख लगी हुई है बॉयज, खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। कमाल यार क्लासिक क्रिसीडा है ना? Yes, baby. और ये सेक्सी है। अच्छी लग रही है और मैट ब्लैक की है। मैट ब्लैक की भी है। इसमें इंजन कोई बड़ा ही डला होगा। हाँ। छोटा इंजन नहीं हो सकता। V8 लग रहा है, V6 इंजन डला होगा। उसने लाख रुपए का खाया, हम 1000 रुपए का खा रहे हैं। लो बॉयज यार बॉन्ड का मैंने बम्पर उतरवा दिया है और रिपेयर के लिए दे दिया है, वो कल तक रिपेयर होके मिल जाएगा। अभी भाई इसको ऐसे ही चलाएगा, वापस फैक्ट्री आया हूँ चॉपर को रेडी करें। बॉयज सीन कुछ ऐसा है कि अभी चॉपर हमारी रेडी हो रही है, वो भी कल हमने फार्म हाउस भेज देनी है, और जी वैगन का आपको पता है कि यार वो राना लगा हुआ था दूसरी बाइक्स पे। तो मैंने कहा मैं ये छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए डाल देता हूँ कि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि मैं आ गया हूँ लाहौर, अब मैं गाड़ी पे काम कर रहा हूँ। और इसका मैंने बम्पर उतार के दे दिया रिबॉन्ड का, ये भी कल मिल जाएगा। कल हम रिकारो सीट्स पिक करेंगे इमरान की तरफ से और फिर वो हम देंगे राने को और वो उसकी फिटिंग बनाएगा, बाकी जो भी काम होने हैं। तो यार कोई हफ्ता लगा के ना कोई शक्ल निकाल लेते हैं जी वैगन की, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। अब भाई आ गया है, सर्जरी भी करवाई हुई थी यार मैंने, तो इसलिए वो बेड रेस्ट भी ज़रूरी था। फिर दरमियान में आपको पता है कि मुहर्रम आ गए थे, ईद भी थी, इसलिए भाई ने महीना छुट्टी मारी है। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंशाल्लाह मिलेंगे कल। और ये व्लॉग अभी मैं आप लोगों के लिए एडिट करके ना आज ही आप लोगों को मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। आज है ट्यूसडे और कल से भाई काम सारे स्टार्ट हैं। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।